एक्चुअली मैं और मेरे जो दो साथी हैं ऋषय गुप्ता, वो भी मेरठ से हैं, और अंश गर्ग सहारनपुर से। हम लोग पहले से एक नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडो मैट्रिक्स, हम उसके डायरेक्टर हैं, तो हम उसके थ्रू जुड़े हुए थे। हम लोग एक दिन बात कर रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमें वो देना चाहिए। घरों से बाहर निकलना तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं था, बट टेक्नोलॉजी का हमारे पास एक प्लस पॉइंट था। तो हमने सभी बच्चों को अलग अलग शहरों से जोड़ा, हमने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सर्कुलेट करवाए सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह, और वहाँ से करीब अब हमारे पास 200 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं, और हम उनके थ्रू वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देके जिनको भी ज़रूरत होती है वो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, और हम उन्हें वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देके उनकी हेल्प करते हैं। हमने सभी वॉलंटियर्स से उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सभी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, 16 17 18 साल के ही बच्चे हैं हम सभी, तो हमारे क्लासेस वगैरह का टाइम सबका रहता है, इसलिए हमने सभी से पूछा कि आप दिन में किस टाइम फ्री रहते हो। उसके हिसाब से हमने सभी वॉलंटियर्स को दो दो घंटे के टाइम स्लॉट्स में बांटा। जैसे हर टाइम स्लॉट में भी करीब 10 बच्चे हैं तो उनकी एक टीम है, 2 से 4 के बीच की जो रिक्वेस्ट आएंगी वो सभी वो 10 बच्चे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो उस टाइम पे टाइम निकाल सकते हैं, और करीब 10 मिनट ही लगते हैं। हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है, सारी लिस्ट रहती है हमारे पास हॉस्पिटल्स की, नंबर्स की, हमें बस तुरंत उन्हें फ़ोन करके पूछना होता है कि अवेलेबल है या नहीं। 10 मिनट हम कहते हैं, 10 से 15 मिनट दिल्ली नोएडा जैसी जगहों में लगते हैं। अगर कोई रिमोट एरिया से आ जाता है या फिर कोई दूर का गोवा वगैरह से आता है तो हमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट हम अपना बेस्ट देते हैं, और हमने काफ़ी लोगों की वहाँ पर मदद भी पहुँचाई है। मैं, अंश और अवनी एक कॉल पे ही थे, तब हम लोग एक इवेंट की प्लानिंग कर रहे थे। तब हमारे दिमाग में आया कि इवेंट तो बहुत लोग करवा रहे हैं, क्यों ना हम सब लोगों की हेल्प करें, क्योंकि हमारे पास देखिए हम तीनों तो पूरा लगने ही वाले थे, हमारे पास कहीं से थोड़ी लीड्स भी थी, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम लोग और लोगों की हेल्प कर पाएँ। फिर हम तीन ही थे अकेले, फिर हमने जो स्टूडो मैट्रिक्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर हमने मैसेजेस बनाए सर्कुलेट करे, तो वहाँ से हमारे पास लोग जुड़े। फिर हमने अपनी सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों को बताया, दोस्तों को फ़ोन करा, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। तो स्टार्टिंग में तो देखिए बहुत ही मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, धीरे 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 बढ़े। फिर हम लोगों ने कुछ और लोगों की भी मदद करी, तो जिन लोगों की मदद करी उन्हें लगा कि अब उनका फ़र्ज बनता है कि वह हमारी मदद करें, तो उधर से भी हमारे पास लोग जुड़ते चले गए। हमारे ना व्हाट्सएप पे दो ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें लोग आके हमसे मदद मांगते हैं, और एक ग्रुप है जिसमें हमारे सारे वॉलंटियर रहते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो रहते हैं। तो जैसे ही हमारे पास जो हेल्प ग्रुप है उस पर कोई सी भी रिक्वेस्ट आती है, हम वो रिक्वेस्ट वॉलंटियर ग्रुप पर फॉरवर्ड करते हैं। जो वॉलंटियर्स हैं वो हमारे साथ मिलकर अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह से लीड इकट्ठा करते हैं। फिर हम उन्हें फ़ोन करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वहाँ पर वो सामान अवेलेबल है कि नहीं है, और फिर हम जिस भी इंसान को वो मदद चाहिए होती है हम उस तक पहुँचाते हैं।